दुर्गा माता मंदिर में सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, स्वामी जी को मेरा प्रणाम। जैसे स्वामी जी, मेरे ख्याल स्वामी से ज़्यादा गीता के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। जो ये तो गुणों की खान है, सब कुछ बता देते हैं ये। हमारे तलवार जी ने, बैक्टर साहब ने बताया गीता के बारे में। मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि एक तो हम किसी चीज़ की पिक्चर देखते हैं, फोटो देखते हैं, और एक हम किसी चीज़ को साक्षात देखते हैं। जो गीता है ये एक साक्षात चीज़ है, जो कि भगवान ने अपने मुख से खुद बोला, खुद उसका उपदेश दिया, अर्जुन ने उसको अपनाया। उन्होंने किसी को धर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं दी। उनको धर्म क्या है कि अपने जो आप गलत काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं, उनको छोड़ दो, आपके पाप वो खुद ब खुद उसको नष्ट कर देंगे, उसको मोक्ष दे देंगे। गीता एक सर्व से सर्वोत्तम पुस्तक है, ग्रंथ है। एक बार की शायद आपको पता है, स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण देने के लिए गए। वहाँ पर सभी धर्मों पुस्तकें रखी हुई थी, जो गीता थी वो सबके नीचे थी। जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई भाषण देने के लिए, तो सभी लोग हंस पड़े, ये देखो आपकी गीता सबके नीचे दब गई है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ये गीता नीचे नहीं दब गई है, तुम मूर्ख लोग हो, इस गीता ने सभी ग्रंथों का भार संभाला हुआ है। ये सभी ग्रंथों की जड़ है, सभी जो ग्रंथ हैं इसी से उत्पन्न हुए हैं, ये जड़ है, जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता। ये आपकी चीज़ों के, आपके ग्रंथों के नीचे नहीं है, इसने सभी को संभाल रखा है, इसी से ज्ञान लेकर आपने सभी जो पुस्तकें लिखी हैं, है ना। गीता के बारे में यही मेरे विचार हैं। धन्यवाद। गीता माता की जय। जय जगदीश जी। अच्छा शिव जी, मेरी एक सियाटल में गोरा है, उसे बात हो रही थी, वो प्रभुपाद का शिष्य है। तो वो उन्होंने पहले पेरिस में कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ते थे, तो अभी 40 साल से वो गीता का प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने वो बता रहे थे कि मैंने पहले कंपैरेटिव रिलीजन काफ़ी पढ़ा था, लेकिन मेरे को फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी भी मेरे को पता नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा कि जब फिर मैंने भगवद गीता पढ़ी, तो फिर मेरे को पता लगा कि मेरे अंदर क्या गुम था। तो कहते कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर शरीर और आत्मा के विच्छेद को सबसे सही ढंग से और सबसे बढ़िया किया गया। और मेरे को जो गीता की सबसे बढ़िया बात लगती है वो ये है कि हम जैसे अर्जुन भी हमारी हालत में ही था, या हम अर्जुन जैसी हालत में ही थे कि हमारे बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, हम आगे कैसे बढ़ें। तो गीता हमारे स्तर पे ही शुरू होती है और हमारे को आगे जैसे जैसे लेके जाती है, वैसे वैसे शरीर और आत्मा का विच्छेद करती चली जाती है। और रशिया के अंदर 1982 में गीता पहली बार स्मगल होके गई थी, और आज रशिया के अंदर